Hello friends, welcome back to another video. I am Adil Alvi and you are watching the Biomed Dude. So today video we are going to discuss about the dialysis machine repair. So हमारे पास जो dialysis machine है उसके अंदर जब हम उसका self test perform करते हैं उसकी calibration के ऊपर या उसकी testing के ऊपर लेके जाते हैं तो उसके अंदर दो तीन error आते हैं जो कि different किस्म के हैं. हमारे पास Fresenius Medical Care की equipment है तो उसके अंदर जो जो एरर आ रहे हैं पहले तो हम वो चेक करेंगे कि वो कौन कौन से एरर है और उसके अंदर हम जो पॉसिबल रिपेयर है वो किस तरीके से कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास फ्रेजिनस मेडिकल केयर की मशीन है. ये पूरा यूनिट है, इसका मॉडल है 4008 SE, सामने आपको मेंशन किया और नज़र भी आ रहा है. तो इसको हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे कि इसको प्लग इन करके ऑन करके कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं. तो ये पूरा इसका जो है वो डिस्प्ले यूनिट है और पूरा सिस्टम है, इसको हम प्लग इन कर लिया है. तो ये पहले इसके बाद सेल्फ टेस्ट पास करते हैं. सेल्फ टेस्ट पास करने के बाद ये जो है वो बताएगी कि इसके अंदर कौन कौन से एरर आ रहे हैं या क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो सबसे पहले हमने इसको ऑन कर लिया है. तो ये 4008S मॉडल है, इसको इनिशिएट करते हैं इसका सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए. तो सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक इसका इंडिकेटर दिया हुआ, वहाँ से हम इसको ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद ये अपना जो है वो टेस्ट परफॉर्म करेगी. तो जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ये पूरे इंडिकेशंस आ जाते हैं सामने हमारे पास, जिसको वन बाई वन करके चेक करती है. तो सबसे पहले तो हम जो है हमारा जो मसला आ रहा था वो वीनस का कुछ शायद मसला आ रहा था. तो अभी ये पूरा डिस्प्ले इसका चेक करेगी और इसके एक एक चीज़ों को टेस्ट स्टेप्स को करने के बाद ही हमें बताएगी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो फिर उसका हम देन उसका सोल्यूशन देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो इसने सेल्फ टेस्ट जो है वो सारा परफॉर्म कर लिया, उसके बाद हमें जो है ना कुछ एरर दिए हैं जो जिसके अंदर आपको सामने जैसे नज़र आ रहा है वीनस प्रेशर का एरर है और बैटरी का एरर है. इसको वन बाई वन करके चेक करेंगे. सबसे पहले मशीन को हम ऑफ कर लेते हैं. ऑफ करने के बाद इसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम साइड पे एक स्क्रू लगा होता है उसको हम ओपन करेंगे तो इसका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो बाहर आ जाएगा. अभी हम नीचे जो है जहाँ पे मॉड्यूल लगे होते हैं उसको ओपन किया. इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास वीनस का और आर्टेरियल का जो ट्रांसड्यूसर है और उसके जो बोर्ड हैं वो लगे होते हैं और सेंटर में इसका जो पंप है वो लगा होता है जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है. तो अभी मैं इसको जो इसका वीनस प्रेशर बोर्ड है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ. इस वीनस प्रेशर बोर्ड के ऊपर एक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ. इसके सारे हमने जो कनेक्टर है वो उतार लिए हैं. उतारने के बाद इस बोर्ड के ऊपर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है और इस बोर्ड का भी मसला हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो ट्रांसड्यूसर है बोर्ड का वो ख़राब होता है. ये ब्लैक कलर का जो ट्रांसड्यूसर है इसमें माल फंक्शन हो गई है. तो इस ट्रांसड्यूसर को जो है वो हम रिप्लेस करेंगे. तो हमारे पास एक नया ट्रांसड्यूसर जो है वो हमने मंगवा लिया है और स्टोर से रेंट कर लिया है. इसको हम जो बोर्ड को है इसके कनेक्शन उतार के इसको रिप्लेस करेंगे. अब सबसे पहले मैं उसको वर्कशॉप में ले आया हूँ. तो यहाँ पे मैं ला के इसका जो ट्रांसड्यूसर है उसके स्क्रूज ओपन करने के बाद इसको जो सोल्डरिंग हुई हुई है उसको अनसोल्ड करेंगे. अनसोल्ड करने के बाद इसका जो ट्रांसड्यूसर है उसको हम रिप्लेस करेंगे. तो ये इसके कनेक्टर लगे होते हैं, इसको आप बड़ी एहतियात से इसका स्क्रूज लूज करके तो इसको आप खोल लेते हैं. ये बेसिकली जो प्रेशर होता है आपका वीनस का प्रेशर है, इसके ऊपर जो पाइप लगते हैं ये वीनस के प्रेशर को डिटेक्ट करता है और आपको इसकी जो आउटपुट है वो आपको नज़र आती है आपकी स्क्रीन के ऊपर. अभी मैंने नया जो है वो अनबॉक्स कर लिया है. इस नए ट्रांसड्यूसर को हम जो पुराने वाला ट्रांसड्यूसर उसकी जगह पे रिप्लेस करेंगे. तो ये सोल्डर आयरन की मदद से हम जो पुराने वाला है उसको रिमूव कर लेते हैं. रिमूव करने के बाद जो नया ट्रांसड्यूसर है ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये वाला नया ट्रांसड्यूसर हम उसकी जगह पर रिप्लेस करते हैं. ओके, सोल्डरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है. नया ट्रांसड्यूसर हमने फिट कर दिया है इसके ऊपर और इसके कनेक्शन जो है वो सारे प्रॉपरली हमने वो लगा दिए हैं और सोल्डरिंग कर दी है. तो अब ये बोर्ड जो है वो उसका कंप्लीट है. अब हम इसको लगा के अपनी मशीन के ऊपर टेस्ट कर सकते हैं. तो इसकी जो आपने सोल्डरिंग करनी है वो बहुत ही एहतियात से करनी है कि इसके अंदर कुछ शॉर्टेज वगैरह ना हो. ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है कि आप कोई शॉर्टेज ना होने दें. तो अभी दोबारा जो है वो बोर्ड को मैं मशीन के ऊपर ले आया हूँ. यहाँ पे इसके सारे जो कनेक्शन है वो वन बाई वन करके हम लगा देंगे. इस बोर्ड को ऐसे स्लाइड करके नीचे लगाना होता है और उसके बाद इसके जितने भी कनेक्टर हैं उसको हम जहाँ जहाँ से मैंने उतारा था इसके पाइप थे और इसके जो कनेक्शंस के डिफरेंट स्विच जो केबल्स हैं वो हम सारी वन बाई वन करके अटैच कर देंगे.
तो सारे कनेक्शन हो गए हैं। अब मैं इसको प्रॉपरली सारे फिक्स करने के बाद इसका जो कवर है उसको मैं बंद करूँगा। बंद करने के बाद इस मशीन को ऑन करके हम टेस्ट करते हैं कि हमारा जो प्रेशर का मसला था वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो यूनिट को दोबारा हमने रेडी कर लिया है, उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। दोबारा इसको टेस्टिंग मोड के ऊपर लेके जाएंगे और चेक करेंगे हमारा ट्रांसड्यूसर चेंज करने के बाद जो हमारा वीनस प्रेशर का जो अलार्म था वो रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो वो ये चेक करें आप, हमारे जो वीनस प्रेशर का जो अलार्म था वो रिजॉल्व हो गया है। दो एरर आ रहे थे बेसिक शुरू में जब हमने इसको स्टार्ट किया था, पहला एक वीनस प्रेशर का था, दूसरा बैटरी का था। तो अब वीनस प्रेशर वाला जो मसला था वो हमने हल कर दिया है और मशीन जो है वीनस प्रेशर का जो अलार्म है वो जो उसका टेस्ट है वो उसने रन कर लिया कांट, और उसका जो प्रेशर है वो हमें बता रही है जो 4008S मॉडल है, और इसका टेस्ट जो वीनस का था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें जो बैटरी का, जैसे आप देख रहे हैं बैटरी का प्रॉब्लम आ रही है, तो बैटरी को चेक करने के लिए हम अपनी मशीन को दोबारा बंद करेंगे। बंद करने के बाद देखेंगे कि बैटरी जो है वो, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर लगी हुई। बैटरी बिल्कुल नीचे लगी होती है यूनिट के नीचे वाली साइड पर, ये आप सामने देख रहे हैं। इसका स्क्रू हम खोलेंगे, स्क्रू खोलने के बाद इस बैटरी को बाहर निकालेंगे। तो बैटरी को चेक करने का तरीका आपको पता है, सिंपल सा तरीका है। इसको खोलने के बाद हम बैटरी को, इसके ऊपर एम्पेयर वगैरह सारा कुछ लिखा होता है, कितने वोल्ट की और कितने एम्पेयर्स की बैटरी लगानी चाहिए। तो एलन की सेट से मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद तो सामने आप देख सकते हैं कि बैटरी की स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन की गई हैं, जिसके अंदर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि इसके अंदर 18 वोल्ट की बैटरी लगती है और 3 AH की बैटरी होती है, और इसके साथ कितने एम्पेयर का फ्यूज है वो आपको लगाना चाहिए। तो अभी मैं इसकी वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ। इसकी केबल उतार के हम मल्टीमीटर जो है वो उससे वोल्टेज से हम चेक करेंगे कि उसका कोई मसला आ रहा है। अगर आपका वोल्टेज कम आ रहे हैं तो आप उसको रिप्लेस कर दें, अदरवाइज़ कोई कार्बन आ गई है तो उस क्रोजन आ जाती होती है जिसकी वजह से कनेक्शन आपका बहाल नहीं होता, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बैटरी के वोल्टेज हैं वो पूरे आ रहे हैं, तो इसके मैं कनेक्शन वगैरह साफ़ करके उसका फ्यूज़ प्रॉपरली फिक्स करके दोबारा इंसर्ट करूँगा, तो होपफुली ये चल जाए। तो अभी मैं इसको जो है वो इसकी जो क्लीनिंग है वो कर दी है। अब दोबारा मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। कनेक्शन करने के बाद इसको मैं दोबारा फिट कर रहा हूँ। फिट करने के बाद हम इसको स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे, और उसके बाद मैं अपना यूनिट को दोबारा ऑन करूँगा और ऑन करके देखते हैं कि क्या हमारे सारे मसले हल हुए कि नहीं हुए। तो अभी मैं दोबारा यूनिट को जो है वो पावर ऑन कर दिया है। पावर ऑन करने के बाद इसके जो सेल्फ टेस्ट होते हैं, बायोस का टेस्ट होता है और रोम का टेस्ट होता है, रैम टेस्ट होता है, उसके बाद ये कैलिब्रेशन जो सेल्फ टेस्ट सारे करती है उसको वन बाई वन दोबारा चेक करेगी। और ये फेमस मॉडल है जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, 4W8। अब मैं टेस्ट प्रेस करता हूँ तो ये स्क्रीन का टेस्ट करेगी, आपके डिस्प्ले का टेस्ट करेगी, और सारे फंक्शन जो हैं वो सारे टेस्ट करने के बाद वो आपको आउटपुट के ऊपर रिजल्ट दे देगी कि आपके मसले सारे रिजॉल्व हुए कि नहीं हुए। अब वन बाई वन करके वो चेक करेगी, सर्टन टाइम होता है थोड़ा सा, उसके बाद ये सारे टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएं तो आप अपने यूनिट को पेशेंट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये थी एक आज इसकी एक छोटी सी रिपेयरिंग की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपना वीनस प्रेशर जो है वो कैसे जो है उसको ठीक कर सकते हैं, और उसकी बैटरी का अलार्म जो है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई अलार्म आता है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। अभी बैटरी का इंडिकेशन का अलार्म बिल्कुल ओके हो गया, बाकी अलार्म भी सारे ठीक हो गए हैं, तो इट मीन्स हमारी मशीन जो है वो फंक्शनल प्रॉपर काम कर रही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।